हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो अगेन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यू गाइस लव माय अफोर्डेबल मेकअप वीडियोस, सो फॉर टुडे आई एम गोना बी ट्राइंग एंड टेस्टिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम शुगर पॉप। सो बेसिकली शुगर पॉप एक न्यू ब्रांड है एंड यू कैन से के लाइक शुगर कॉस्मेटिक्स की ही सब ब्रांड है। आई एम जस्ट गोना रीड आउट द एग्जैक्ट थिंग। सो शुगर पॉप इज एन अफोर्डेबल कलर कॉस्मेटिक्स लाइन फ्रॉम शुगर। इट्स एम्ड एट यंगर प्राइस कॉन्शियस यूजर्स। सो इफ यू आर ऑन अ बजट या फिर इफ यू आर अ यंगर कंज्यूमर, देन दिस इज द ब्रांड फॉर यू गाइज। वी विल जस्ट गोना ट्राई एंड टेस्ट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो मैंने सारे प्रोडक्ट्स बेसिकली अमेजोन से मंगवाए हैं एंड शुगर पॉप ने काफी अफोर्डेबल मेकअप लॉन्च किया ही है। अंडर 299 है गाइज एवरीथिंग। प्लस उन्होंने अपना स्किन केयर लॉन्च किया है एंड दे हैव ऑल्सो लॉन्च्ड नेल पेंट्स। तो स्किन केयर और नेल पेंट्स मैंने नहीं लिया बिकॉज स्किन केयर मुझे उतना फैसिनेटिंग नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट। प्लस आई हैव माई एक्सटेंशन ऑन, सो दैट्स वाई मैंने कोई नेल पेंट भी नहीं लिया है। मैंने सारा मेकअप परचेज कर लिया है एंड लाइक आई सेड कि मैंने अमेज़न से लिया है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो सारे प्रोडक्ट्स अमेज़न से, जो भी मैं आज के वीडियो में रेकमेंड करूंगी आपको आगे, क्योंकि अमेज़न की प्राइम डे सेल चल रही है फ्रॉम 23rd टू 24th जुलाई एंड आपको मिलेगा अप टू 70% ऑफ ऑन ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट्स प्लस अप टू 80% ऑफ ऑन विमेन फैशन प्रोडक्ट्स। मैं तो काफी एक्साइटेड हूं सारी चीजें ट्राई करने के लिए बिकॉज द पैकेजिंग इन इटसेल्फ इज so nice and so like attractive as in the color palette and everything, it's like a rainbow theme sort of। and also मैं जो भी products आज के video में recommend करूँगी I'm gonna leave all the links in the description box below, so make sure you check that out। and yes, without any further ado, let's just get started with today's video। so सबसे पहले मैं ये शुगर पॉप की लिप बाम लगाऊंगी। this is their nourishing lip balm in the variant 02 cherry and guys इनकी packaging एक तो इतनी ज्यादा अच्छी है प्लस इनका प्राइस पॉइंट इज अमेजिंग। दिस इज फॉर 149 रुपीज। मैंने अब तक कोई प्रोडक्ट ओपन करके ट्राई नहीं किया है। सो दिस इज व्हाट द लिप बाम लुक्स लाइक। आई लव द मैट पिंक पैकेजिंग एंड वी हैव दिस चेरी वेरिएंट। जस्ट गोना क्विकली अप्लाई दिस। ओके, इट स्मेल्स नाइस। ओह, इट्स पिगमेंटेड एज वेल। काफी टिंटेड है, काफी अच्छी है। प्लस ये हैवी फील नहीं हो रही है लिप्स पे, सो दैट इज ग्रेट। सो दिस इज द लिप बाम। आई एम जस्ट गोना लाइक वेट फॉर सम टाइम टू सी के कितना हाइड्रेटिंग है। देन आई एम गोना शो यू लाइक मोर प्रोडक्ट्स। आई हैव देयर काजल, ब्राउ शेपर, लाइनर, देयर बीबी क्रीम। ओ, दे हैव नॉट लॉन्च्ड अ फाउंडेशन, इंस्टेड दे हैव लॉन्च्ड अ बीबी क्रीम बिकॉज यू नो द ब्रांड टारगेट्स लाइक यंग यूजर्स प्रोबेबली हु आर इन देयर टीनेज और लाइक 20-21 years old। So I'm just gonna apply the perfecting primer. This is what the packaging looks like. I love the font as well. Matlab it kinda reminds me of Pop Exo makeup line. So it's gonna minimize your fine lines and pores and gives your skin like a flawless base for smooth makeup application. And also it has mulberry seed extracts and baobab oil, so it kind of like hydrates your skin as well. So this is the actual packaging of the product. So it's a silicone based primer guys and I'm just gonna apply it wherever I have pores. तो डेफिनेटली गाइज मेरी स्किन स्मूथ फील कर रही है एंड इफ आई टॉक अबाउट द पोर्स, डेफिनेटली इसने मेरे पोर्स का सब ब्लरिंग सा इफेक्ट दे दिया है। या मतलब थोड़े से मेरे को ब्लर लग रहे हैं अपने पोर्स एंड ऑल्सो इट काइंड ऑफ फील्स हाइड्रेटिंग एज वेल। इट स्प्रेड सो वेल, इट्स लाइक अ वेरी स्लिपरी सॉर्ट ऑफ यू नो कंसिस्टेंसी और टेक्सचर। तो प्राइमर तो मुझे एक्चुअली में काफी अच्छा लगा। प्लस इफ आई टॉक अबाउट द लिप बाम, इट इज एक्चुअली हाइड्रेटिंग गाइज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बीबी क्रीम एंड इट इज देयर बीबी क्रीम विद SPF 30 विच इज ग्रेट। द शेड दैट आई हैव गॉट इज I just dropped it. The shade that I've got 03 honey. MRP is 249 rupees. I'm just gonna show you the packaging. Quite similar to the primer. So this is the texture. It is definitely like a creamy sort of a texture. I think I've picked up the right shade, guys. मतलब अभी तक तो देखने से लग रहा है कि काफी अच्छा चला जाएगा. So I'm just gonna take a foundation brush and I'm gonna start blending it. ऑनेस्टली बोलूँ ये ठीक से ब्लेंड हो नहीं पा रही है मुझसे। आई मीन ब्रश स्ट्रोक्स आर क्लियरली विजिबल एंड ये एक्चुअली में एक अच्छा ब्रश है। मतलब ये वैसा ब्रश नहीं है कि अगर इसमें फाउंडेशन ब्लेंड करूंगी तो यू नो ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल होंगे। इट्स जस्ट दैट कि जो बीबी क्रीम है ना वो ठीक से ब्लेंड हो ही नहीं पा रही है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। यस गाइज, आई एम नॉट एबल टू ब्लेंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। बहुत ज्यादा पैची लग रही है। मतलब जस्ट लुक एट द बीबी क्रीम ओवर हियर, लुक सो पैची। सो वट आई कैन नोटिस इज कि जो बीबी क्रीम है ना गाइज, ये ब्लेंड होने की बजाय ना इधर उधर खिसके जा रही है।
तो गाइज मैंने बीबी क्रीम एक और बार ट्राई करी, तो इस बार मैंने क्या करा, अपना प्राइमर हटा दिया, बिकॉज आई थॉट कि उस वजह से ना मेरा बीबी क्रीम स्लिप हो रहा होगा. एंड ऑल्सो मैंने इस बार एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करा एंड कम क्वांटिटी लगाई एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम. सो आई कैन डेफिनेटली सी दैट अब ये स्टिल अच्छे से ब्लेंड हो गई है स्किन में. सो आई कैन डेफिनेटली सी के इसने एक लाइक शियर कवरेज तो दे दी है, प्लस इट लुक सो स्किन लाइक. सो मैंने बीबी क्रीम लगा लिया गाइस फेस पे एंड नेक पे. लाइक शेड तो सही है, बट द थिंग इज कि ना ये ब्लेंड अगर मैं कर भी रही हूँ ना इसको, ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रही है ब्लेंड होने में, एंड मतलब उतना ज्यादा सीमलेसली ब्लेंड नहीं हो पा रही है. यू रियली हैव टू मेक एन एफर्ट टू लाइक ब्लेंड इट प्रॉपरली. डू आई लाइक इट? ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस बीबी क्रीम. विल आई रेकमेंड यू गाइज? नो. आई मीन वी हैव मार्स की बीबी क्रीम विच इज सो मच बेटर दैन दिस वन. उसका टेक्स्चर, उसका फॉर्मुलेशन, blendability, everything is amazing. Next up, I've got the Sugar Pops compact. This is their long wear compact in the same shade 03 honey, and this is what the packaging looks like. Really really cute. It comes with a puff. We have a mirror over here, and this is what honey looks. Okay, the product has a lot of kickback, but it's fine. I mean kabhi kabhi expensive products mein bahut kickback hota hai. It's actually good, guys. इसका texture भी smooth है. Compact काफी अच्छा है, guys. आप लोग definitely इसको try कर सकते हो. Literally इसने skin को बहुत अच्छे से mattify कर दिया है. And makeup भी like अच्छा लग रहा है. मतलब अब जाके मुझे थोड़ा अपना base better लगा है after applying the compact powder. इस compact ने अपना काम भी कर दिया, plus मेरा base बहुत better बना दिया है. So I'm like really happy with it now. And the MRP is 249 rupees. ये Nykaa वाले और you know Maybelline Fit Me वाले कॉम्पैक्ट पाउडर के आसपास ही है इसका प्राइस रेंज, एंड आई फील कि उनके जैसा ही वर्क कर रहा है. और एट्स नेक्स्ट अप वी आर गोना ट्राई देयर व्हाट इज दिस दिस ब्राउ शेपर इन द शेड 01 वॉलनट. सो इनका ब्राउ पेंसिल भी है. द MRP इज 299 रुपीज गाइज. लुक एट द पैकेजिंग यार, आई मीन सो क्यूट. हियर वी हैव द ब्राउ पेंसिल. ओके, सो दिस इज नॉट लाइक एन एंगुलर ब्राउ पेंसिल. आई एम जस्ट गोना शो यू गाइज. It kind of looks like the Benefit brow pencil. मतलब जैसा वो एकदम precise होती है ना वैसी ही है. Guys ये उतनी ज्यादा pigmented नहीं है. So that is another thing that I really like. मतलब बहुत ज्यादा जब eyebrow pencils pigmented होती है ना and आप हल्का सा like हल्के हाथ से भी fill in करते हो ना तो काफी dramatic लगती है. I don't like that about my eyebrow pencils. So ये काफी सही है. It's not very soft and not very like hard to apply. It's good. यार ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है. प्लस इट्स मैचिंग माई आईब्रो हेयर एकदम ऐसे परफेक्टली. द शेड दैट आई हैव गॉट इज 01 वॉलनट. दिस इज एक्चुअली नाइस. डन विद माई ब्राउज. ऑनेस्टली मुझको ये आईब्रो पेंसिल काफी अच्छी लगी. मतलब you know the texture, the color, like as in the shade and everything, the formulation, it's so good. Another thing that I've got is the eyeliner, the waterproof liner. I've got the shade 01 black. So this is what the liner looks like. This is the pigmentation of the black liner. So maine off camera jaake thoda sa eyeshadow laga liya because mujhko aise ekdam bare eyes apni achhi nahi lagti hain. Guys iski tip choti lag rahi hai, matlab नॉट द मोस्ट कम्फर्टेबल टिप टू वर्क विथ. जैसे एकदम पेन की इंक नहीं होती है, लिटरली वैसा लग रहा है. मतलब थोड़ा सा इसको और लंबा होना चाहिए था ना. आई एम नॉट रियली लाइकिंग द लाइनर बिकॉज इट्स नॉट दैट स्मूथ ऑल्सो. ओके टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पेन लाइनर बिकॉज यू नो पेन लाइनर्स यूजुअली इतने स्मूथ होते हैं ना, बट ये उतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगा मुझको. लिटरली एकदम ऐसे एफर्ट लगाना पड़ा इसको लगाने के लिए. ऑल दो इट इज पिगमेंटेड इनाफ, इट इज वाटर प्रूफ, बट ये विंग बनाने में मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ है ना. प्लस इसका टिप इतना छुटकू सा है एकदम ऐसे पेन की तरह, तो मेरे को ये बिल्कुल भी हैंडी नहीं लगा. इट्स समथिंग विच अगेन आई वुड नॉट रेकमेंड यू गाइज. मूविंग ऑन वी हैव दिस शुगर पॉप लॉन्ग वेयर काजल इन द शेड 03 ब्राउन. सो दिस इज अगेन स्मच प्रूफ, 16 आवर्स लॉन्ग स्टे, वाटर प्रूफ एंड वेलवेट फिनिश. So this comes in a retractable packaging like this, and I'm just gonna show you the swatch. It's actually a really pretty. Oh, it's a very pretty brown. It's like a chocolatey brown. इसको अभी हम settle होने देते हैं थोड़ी देर, and I think I'm just gonna apply this on my lower waterline.
So I've applied the kajal. It is so pigmented, glides so beautifully, so smoothly. Kind of looks really nice. अभी पता नहीं चल रहा because the eyeshadow is again of the same color. काफी अच्छे से ये सेट हो चुका है एंड स्मज नहीं हो रहा है. सो इसने तो डेफिनेटली हमारा टेस्ट पास कर लिया है. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इसमें और भी शेड्स आते हैं. नेक्स्ट स्टेप मैं ट्राई करूंगी शुगर पॉप का ये मस्कारा. दिस इज देयर वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा इन द शेड 01 ब्लैक. इट्स अ वाटर रेजिस्टेंट मस्कारा, स्मज प्रूफ, पैराबन फ्री. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये मस्कारा काफी अच्छी वॉल्यूम दे देगा मेरे लैशेस को. Let's just find out. I really hope ये अच्छा हो. And the MRP is 299 rupees. I think it's quite affordable. I'll just show you the wand first. इसकी ना ऐसे leaf shape की wand है guys. मतलब पीछे से इतनी fat है, आगे से इतनी like पतली है. You guys can see. So I'm just gonna apply this mascara. कोई volume नहीं दे रहा भाई. ये कोई volume नहीं दे रहा. ये हुई ना बात. दो कोट्स के बाद इसने लैशेस को मेरे वॉल्यूम दिया है. सो दैट इज गुड. एटलीस्ट इसका वॉन्ड डिफरेंट है नो डाउट, बट इसका वॉन्ड मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा. बिकॉज जब हमको ऐसे ऐसे करके मस्कारा लगाना होता है ना, तो ये वाली चीज जो एकदम इसे पॉइंटेड सी है, सो काफी इजी हो रहा है यार मतलब मुझको लगाने में. So this is what my lashes look like. I am honestly loving how my lashes look. मुझे लग रहा था कि मैं liner की तरह इससे भी disappoint हो जाऊंगी, but thank God. मतलब मैं खुश हूँ कि at least इसने disappoint नहीं करा. If you are into waterproof mascaras, I think it's a really nice budget-friendly option. Also, मैं usually washable mascaras ही लगाती हूँ, so मैं waterproof mascaras बहुत कम prefer करती हूँ. Blush obviously नहीं launch करा Sugar Pop ने अपना, ना ही contour, blush, highlighter, nothing, no setting spray and all. So that's why I've got a lipstick from Sugar Pop. This is a bullet lipstick which I'm gonna use as my cream blush, and then we have four matte lip colors. So we have four matte lip colors plus we have this liquid lipstick. So अभी lipsticks को रख देते हैं side में क्योंकि हमको सबसे पहले अपना जुगाड़ू cream blush लगाना है. So this is the Sugar Pop matte lipstick in the shade 01 taupe. The packaging is so cute and this is the shade taupe. I'm just gonna apply this as a cream blush or shall I apply it as a lipstick as well? Okay, I am going to apply this shade as a lipstick for you guys because मैं सोच रही हूँ कि lipstick के लिए मैं बाकी shades में से कोई लगाऊंगी, but आपको दिखाने के लिए just gonna apply this. Okay, glides so smoothly. Plus guys, it feels super creamy, like super duper creamy. Because it's so creamy, काफी अच्छे से blend हो गई है. I think हमारा जुगाड़ू cream blush एकदम बढ़िया लग रहा है. And now I'm gonna do a transfer test and I'm pretty sure it is going to transfer because I can still feel ये settle नहीं हुई है and ये transfer हो जाएगी. Let's try. See, I told you. It is not a transfer-proof lipstick. However, I feel ki it is so comfortable. So, for example, we have like MAC lipsticks, K-Beauty lipsticks. ये भी lipsticks transfer-proof नहीं होती हैं, transfer होती हैं. But the lipsticks are known because of such good formulations and you know shade range. And इसका shade range भी again काफी अच्छा था. इसका formulation भी काफी अच्छा लगा मुझको. It is so comfortable and so hydrating on the lips. Lipsticks try कर लेते हैं guys जल्दी से. सबसे पहले we have the Sugar Pop's liquid lipstick in the shade 04 Mocha. And then we have the Sugar Pop matte lip color in four different shades. So ये मोका काफी अच्छा लग रहा है. And वैसे भी I am into brown lipsticks these days. And just gonna apply this first of all. Okay, this is a liquid lipstick, but you know what? It feels so nourishing. Like it feels so hydrating on the lips. It's just gliding so smoothly. It's not extremely pigmented. Matlab, I have pigmentation on my upper lip and I can still see the pigmentation. It's such a good formulation, guys. Plus the shade. Oh my god, this is so pretty. Matlab, kita pyara shade hai yaar. So lipstick settle ho chuki hai, guys. Settle hone ke baad matte finish ban chuki hai. You guys can see. Plus it has become transfer proof. Plus it doesn't feel drying on the lips, guys. Matlab, it's such a comfortable formulation. Now let's just try the last range that I have, which is their matte lip colors. As always, I really like the packaging of these matte lip colors. I'm just gonna show you the swatches. So the first shade that we have is 07 Wine. Such a beautiful color. The next shade that we have is called 13 Magenta. It's a really nice bright fuchsia pink. I'm just gonna swatch 16 Terracotta. It's like a very beautiful, like a caramel peachy sort of a nude. Then the last one is called Maple. Oh my god, this is also a very beautiful nude. It's a very beautiful, like a pinky sort of a nude. So we have Maple, then we have Terracotta, we have what was that,
magenta, and then we have wine. The shades look absolutely stunning, like two party shades and two everyday wear shades. So for today's look, I think I'm gonna apply 18 maple because I think ye kafi acha lagega. So this is what maple looks on my skin tone. Honestly, it just looks so beautiful, like a very different shade of pink. And also the lipstick feels lightweight. It's not sticky, plus it's pigmented as well. And मैंने अपने lips बिल्कुल prep नहीं करे थे lipstick लगाने से पहले. You guys know, एक हटा रही हूँ, एक लगा रही हूँ, एक हटा रही हूँ, एक लगा रही हूँ. And in between the process, my lips काफी dry हो जाते हैं. But it's not making my lips dry, which I really really like. You guys can see के set look एकदम matte finish आ गई है इनकी. Plus these are transfer proof. That was the last product that I wanted to share and review for you guys. So I really like their lip balm, their compact powder, their brown kajal, their all of their lipsticks. Primer is also decent enough. I did not like their liner. Oh, and also I really like their mascara as well. And with that, I am done with today's video. Jo bhi tha, jaisa bhi tha, guys. Maine aapke saath apna 100% honest review share kiya hai about each product. But jo bhi products mujhe achhe lage, aapko recommend main karungi na, to unke links main niche description box mein aapke liye मेंशन कर दूंगी. डू नॉट फॉरगेट कि अमेज़न की प्राइम डे सेल चल रही है फ्रॉम 23rd टू 24th जुलाई. सो मेक श्योर यू मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेल. अगर आपको मेरा शुगर पॉप रिव्यू अच्छा लगा, देन प्लीज मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. इन केस यू गाइस वुड लाइक टू कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल बी लीविंग माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक फॉर यू गाइस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड यस, आई शुल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल प्लीज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स. बाय बाय.